प्रदेश में एक बार फिर मौसम की करवट बदलने की संभावना है, जिसके चलते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 17 फरवरी तक लगातार 3 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान मैदानी भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी से मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हिमपात की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम के मिजाज बदल सकते हैं और अगले 3 दिन पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फ गिरने की संभावना है। 15, 16 व 17 फरवरी को पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 17 और 18 फरवरी को एक छोटा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन इसका असर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वहीं 21 फरवरी से फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश व बर्फबारी हो सकती है। मौसम आमतौर पर तो ठीक रहेगा, लेकिन अभी अगले 24-48 घंटे में कुछ संभावना है कि जो ऊपर के हाई रीचेज है उन जिलों में हल्की स्नोफॉल हो सकता है, और ये भी संभावना है कि शिमला जिले में बादल आ सकते हैं, और उसके बाद फिर 17-18 के आसपास फिर संभावना है कि पश्चिम विक्षोभ हल्का सा आएगा तो कुछ असर हो सकता है, लेकिन मेजर कोई ऐसा स्नोफॉल एक्टिविटी और रेनफॉल एक्टिविटी अभी नहीं है, क्योंकि कोई बहुत एक्टिव पश्चिम विक्षोभ का भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है आने की संभावना नहीं है, लेकिन यह कि 21-22 के बाद फिर संभावना है कि कोई एक डिस्टरबेंस फिर आएगा और उससे जो है फिर जो है स्नोफॉल एक्टिविटी रेनफॉल एक्टिविटी बेहतर हो सकती है। तो ये ऊपरी रहते हैं जैसे चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, कुछ शिमला के एरियाज अभी जो मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में और उसके बाद फिर 18-19 के आसपास प्राइमरली हायर रीचेस पे हायर एरियाज में नीचे क्लाउड आ सकते हैं, जैसे शिमला है, शिमला जिले में या शिमला शहर में भी, तो आमतौर पर ये हायर रीचेस पे रहेंगे क्योंकि बहुत लो इंटेंसिटी के पश्चिम विक्षोभ है, काफी कमजोर है, तो इसलिए एक्सट्रीम नॉर्थ पे आमतौर पर वेदर देखे निकलेंगे करेंगे, क्योंकि विंड्स थोड़ी नॉर्थ से है, बहुत ज्यादा नहीं डिप करेंगे, लेकिन इनका असर होगा क्योंकि नॉर्दर्ली विंड है, उत्तरी दिशा से हवाएं आएंगी, तो डेफिनेटली मॉर्निंग इवनिंग थोड़े ठंडे होंगे। अभी तक जो इंडिकेशंस हैं ये मॉडरेट्स या लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की रहेगी, इसके बारे में फर्दर अपडेट हम आपको करेंगे, लेकिन अभी जो इंडिकेशंस हैं वो लाइट टू मॉडरेट के हैं, और जो उससे पहले बीच बीच में आप थोड़ी डिस्टर्बेंस देखेंगे वो लाइट है, हल्की हैं, वो बहुत लाइट स्नोफॉल दे सकती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि फरवरी में ऑन एंड ऑफ आपको डिस्टर्बेंसेस आगे भी देखने को मिलेंगे, जैसे अभी एक्सपेक्टेड है 21-22 में, उसके बाद फिर एंड फरवरी में, क्योंकि इस साल जो है पश्चिम विक्षोभ बैक टू बैक आ रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि पश्चिम विक्षोभ का जो इंट्रैक्शन है थोड़ा ईस्टर्ली विंड से भी हो रहा है, तो कुल मिला के बड़े रूटीन में और बहुत एक्टिवली इसको डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो आगे भी देखने को मिलेगा, तो नहीं है अभी चांस, जैसे मैंने कहा कि 4-5 दिन तो बिल्कुल नहीं है, और जो 21 के आसपास डिस्टर्बेंस आएंगे वो भी लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का भी इंडिकेशंस है, और इसके बाद अगर कुछ इसमें अपडेट होगा तो मैं आपको फर्दर अपडेट करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार, लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड, खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी, हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 8211-98-00003 या 8211-98-00004।